बर्ड हिंदी में हम इनको पक्षी बुलाते हैं। पक्षी दुनिया के लगभग हर इकोसिस्टम का हिस्सा है। ये हमारे पर्यावरण को स्वस्थ रखते हैं। हमारी पृथ्वी पर इनका होना बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं तो शायद कुछ नहीं। तो जब ये पक्षी इतने ज़रूरी है तो फिर आपको भी इनके बारे में सब कुछ पता होना ज़रूरी है। इसीलिए एनिमल टीवी हिंदी पर मैं लगातार आपके लिए 10 ऐसे वीडियोस लेकर आया हूं, जहां आप लगभग 100 से भी ज़्यादा पक्षियों के बारे में जानोगे। द बर्ड सीरीज का ये दूसरा एपिसोड है। यहां हम बात करेंगे दुनिया के 10 ऐसे पक्षियों के बारे में जिनके जैसा और कोई नहीं दिखता। ये सबसे अजीब पक्षी है, तो इन सभी पक्षियों के बारे में जानने के लिए बने रहिए एनिमल टीवी हिंदी के साथ और वीडियो का मजा लीजिए। असामान्यता, चोंच की विकृति, असामान्य आकार और निश्चित रूप से अलग अजीब दिखने वाले पक्षियों की प्रजातियों और आकार, उड़ान और संभोग के अजीबोगरीब आदतों की वजह से अजीब लगने वाले 10 पक्षियों की चलिए बात करते हैं। कैलिफोर्नियन कॉन्डर, नॉर्थन अमेरिका का सबसे बड़ा पक्षी। अभी वर्तमान में इसकी संख्या सिर्फ 437 ही बची है। ये अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के कुछ इलाकों में रहते हैं। लाल भूरी आंखें, बिना पंख वाला सिर, दाती हाथ रंग की चोंच और गर्दन के चारों ओर काले खड़े बालों की वजह से ये गिद्ध बहुत ही अजीब सा लगता है। इस गिद्ध के इस लुक की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई गम में हो। नॉर्थ अमेरिका में इस गिद्ध के पास सबसे बड़े लगभग 3 मीटर लंबे पंख हैं। इनका वजन 14 किलो तक होता है। ये 60 साल की उम्र तक जीते हैं। ये 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। ये बिना पंख हिलाए घंटों तक हवा में तैरते रहते हैं। ये गिद्ध ऊंची पहाड़ियों और ऊंचे पेड़ों पर अपने घोंसले बनाते हैं और खाने की तलाश में एक दिन में लगभग 200 किलोमीटर का एरिया छान मारते हैं। दिखने में भली से ये कैसे भी हो, लेकिन ये कमाल के शिकारी है। श्रीलंकन फ्रॉग मॉथ, जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये श्रीलंका में पाया जाता है। इसका बड़ा मुँह, चौड़ा सिर और झुकी हुई चोंच इसे बहुत अजीब बनाती है। इसके अलावा इसकी आंखें इसके सिर के आगे की ओर होती है, जो इन्हें दूर तक दूरबीन की तरह देखने में मदद करती है। ये अजीब सा पक्षी श्रीलंका और इंडिया में पाया जाता है। ये काफ़ी छोटे पक्षी है और उड़ने में भी काफ़ी कमज़ोर है। ये रात में कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं, बाकी दिन में ये पेड़ों की शाखाओं पर आराम करते हैं। लॉन्ग वॉटलेड अम्ब्रेला बर्ड, इस अजीब से पक्षी का नाम इसकी इस अजीब सी सूरत की वजह से पड़ा है। इसके सिर के ऊपर स्थित ये लंबे पंखों वाली छतरी बहुत ही शानदार है। ये छतरी नरों की सबसे बड़ी होती है मादाओं से, और ये छतरी मादाओं को लुभाने के लिए है। ये पक्षी इक्वाडोर और कोलंबिया के नमी से भरपूर वातावरण में रहते हैं। ये कीड़े मकोड़े, छिपकलियाँ और नट्स खाते हैं। मार्बो स्टॉक, मार्बो बगुले के बारे में बहुत से लोग सोचते हैं कि ये दुनिया का सबसे बदसूरत पक्षी है। लोग सही सोचते हैं, ये बहुत ही बदसूरत पक्षी है। इसके गंजा गुलाबी सिर व गर्दन है, चोंच के नीचे लटके हुए लंबे बाल, बड़ी पिचकी हुई चोंच और गहरे रंग का भारी शरीर इसे एक बदसूरत पक्षी बनाता है। ये पक्षी दक्षिण अमेरिका के सूखे इलाकों में रहता है। ये बगुले भी उन पक्षियों में गिने जाते हैं जिनके पास सबसे बड़े पंख हैं। इनके पंखों का आकार 3.7 मीटर तक होता है। ये दूसरे पक्षियों का खाना चुराने में माहिर होते हैं। उसके अलावा ये दूसरे पक्षी जैसे कबूतर, मुर्गी के बच्चे और छोटे पक्षियों को खा जाते हैं। सोयबिल, दिखने में तो ये बहुत ही बदसूरत और अजीब सा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई डायनासोर के ज़माने का पक्षी हो। इस पक्षी में कुछ भी अजीब नहीं है, इसकी चोंच को छोड़कर। इसकी चोंच की लंबाई 9.5 इंच तक होती है। ये सूडान और जाम्बिया देशों में पाए जाते हैं। पक्षियों की ये प्रजाति खतरे में है। पूरी दुनिया में इनकी आबादी 8,000 से भी कम बची है। इनकी ऊंचाई 5 फीट और वजन 8 किलो तक होता है। इनकी ये खतरनाक चोंच सांप, उबेचर, छिपकलियाँ और चूहों का शिकार करने में मदद करती है।
ये लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, फिर अचानक से शिकार पर सरप्राइज अटैक करते हैं। वैसे चूहे और मेंढक तो इनको देखते ही डर जाते होंगे। इनकी चोंच के किनारे बहुत ही तेज और चाकू की धार की तरह होते हैं, इसीलिए ये चोंच बहुत ही खतरनाक है। मैग्निफिसेंट फ्रिगेट बर्ड, जैसा कि आप देख रहे हो, इन्हें आप इसकी चमकीले लाल रंग की गुब्बारे की तरह दिखने वाली थैली की वजह से आसानी से पहचान सकते हो। ये थैली सिर्फ नर पक्षियों में पाई जाती है और ये थैली सिर्फ प्रजनन के मौसम में नर पक्षियों के गले पर दिखती है, उसके अलावा दूसरे सीजन में ये दिखाई नहीं देती। ये थैली मादाओं को लुभाने के काम आती है। ये पक्षी उत्तरी अमेरिका में आपको देखने को मिलेंगे। ये अपना अधिकतम टाइम उड़ने में बिताते हैं। दूसरे पक्षियों को परेशान करना और उनका खाना चुराना इन्हें अच्छा लगता है। उसके अलावा ये मछलियाँ, स्क्विड्स और जेलीफिश का भी शिकार करते हैं। इंडियन कॉक ऑफ द रॉक, जैसा कि आप देख रहे हो, ये अजीब सा है पर खूबसूरत है। इसके सिर, गर्दन, छाती पर नारंगी रंग के पंख होते हैं, काला शरीर और भूरे रंग के पंख भी है, और इसके सिर के ऊपर स्थित छतरी बड़ी मस्त है। ये छतरी मादाओं की छोटी होती है नरों से। और हाँ, ये पक्षी पेरू का राष्ट्रीय पक्षी भी है। ये मुख्य रूप से पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर और बोलीविया के पहाड़ी जंगलों के भीतर रहते हैं। ये कप के आकार का घोंसला बनाते हैं। इनके घोंसले मिट्टी, लार और पत्तों से बने होते हैं, और इनका मुख्य भोजन फल, जामुन और कीड़े हैं। रिबन टेल्ड एस्ट्रापिया, ये एक मध्यम आकार का पक्षी है जो आपको पापुआ न्यू गिनी में देखने को मिलेगा। इसकी लंबी पूंछ इसको इतना आकर्षित बनाती है। ये लंबी पूंछ सिर्फ नरों के पास होती है, जो मादाओं को लुभाने के काम आती है। दुनिया में पक्षियों की किसी भी अन्य प्रजाति की तुलना में इसके शरीर के आकार की तुलना में ये सबसे लंबी पूंछ है। इनकी लंबाई 3 फीट तक होती है, जबकि इस पक्षी की लंबाई सिर्फ 1 फीट तक होती है। इसके शरीर पर चमकीले हरे और तांबे रंग के पंख होते हैं, जो इन्हें और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। आप ये जानकर चौंक जाओगे कि ये पक्षी वहीं पर पाया जाता है जहां दुनिया के सबसे अजीब, खूबसूरत और अजीबोगरीब हरकत करने वाले पक्षी रहते हैं। पापुआ न्यू गिनी की बहुत ही फेमस जगह है वो। वीडियो के एंड में आपको विस्तार से मैं उस जगह के बारे में बता दूंगा। किंग ऑफ सैक्सोनी बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, जैसा कि आप देख रहे हो, ऐसा लगता है जैसे किसी आर्टिस्ट ने इस पक्षी के सिर पर दो लंबे खूबसूरत पंख लगा दिए हो। इन पंखों की लंबाई 50 सेंटीमीटर तक होती है, और ऐसा नहीं है कि ये पंख सिर्फ दिखाने के हैं। ये पक्षी इन पंखों को आगे पीछे भी कर सकते हैं, और हाँ, ये पंख मादा पक्षियों को लुभाने के काम आते हैं। ये पक्षी क्रोट के माउंटेन रेंज में समुद्री तल से लगभग 2800 मीटर की ऊंचाई पर घोंसले बनाते हैं, और इनकी सबसे खास बात यह है कि ये अपने इलाके में सबसे तेज आवाज़ निकालने वाले पक्षी है। और ये पक्षी भी वहीं पर पाया जाता है जहां पिछला पक्षी रिबन टेल एस्ट्रापिया पाया जाता है। सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज में इस पक्षी से शानदार और कोई नहीं है। अगर ये पक्षी आपके सामने हो तो मैं मजाक नहीं कर रहा, पर आपकी नज़रें इससे हटने वाली नहीं है। इसका अंदाज सबसे हटके है। ये पक्षी अपने चमकीले सजावटी पंख और संभोग नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। मादाओं को लुभाने के लिए ये पक्षी इतना शानदार नृत्य करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। नर पक्षी के पास चमकीली नीली शिखा, छाती पर नीले हरे रंग की मिश्रित ढाल और पीछे के सभी पंख मखमले काले होते हैं। दरअसल इन पक्षियों में मादाओं की संख्या काफ़ी कम है, इसीलिए यहाँ मादाओं को लुभाने के लिए नरों में भिड़ंत लगी रहती है। जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा, मादा उसकी हो जाएगी। कितनी अजीब सी बात है, पर ऐसा ही होता है। ये पक्षी भी वहीं पर पाया जाता है जहाँ पिछले 2 पक्षी रहते हैं, और उस महत्वपूर्ण जगह का नाम है बर्ड ऑफ पैराडाइज। पापुआ न्यू गिनी के ये सभी पक्षी वहीं पर रहते हैं। उसके अलावा ये आपको और पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेंगे। अगर आप उस जगह और वहाँ के इन पक्षियों को विस्तार से समझना चाहते हो तो मैंने बहुत समय पहले एक वीडियो बनाया था, आप उसे जाकर देख सकते हो।
डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। द बर्ड सीरीज के दूसरे एपिसोड में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं तीसरे एपिसोड में कुछ शानदार खतरनाक पक्षियों के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बेल आइकन के साथ और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।